ये कहाँ आ गए हम? देखिए, ये देखिए, इतना सब्जा देख के आए हम, लेकिन यहाँ पे एक पौधा आपको दिखाया सिर्फ छोटा सा। यहाँ पर जो भी क्लाइम करने जाता है ना, हर चार में से एक बंदा मर जाता। हाँ जी, ये सारी बर्फ है और यहाँ पे -60 होगा इस वक्त। हमें जिगलोड के रास्ते में पेट्रोल डलवाया है, मेरी जो बाइक चली है इस्लामाबाद से लेके यहाँ तक। कुछ लास रह गया है 33 किलोमीटर। आप यकीन करें कुछ नज़र नहीं आता। मैं ये दरम्यान वाली लाइन है ना, मैं बस इसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं इस येलो लाइन को भी फॉलो नहीं कर रहा। अस्सलामुअलैकुम, तो कैसे हैं बाबू सर? से हम निजात रहे हैं। अभी मसला ये है कि मेरे GoPro की जो कार्ड है ना वो फुल हो चुका है। और इधर चेक करें, ये देखें, ये खाई है इधर बहुत स्टीप, और ये हम जा रहे हैं, रात का टाइम है। ये जी थोड़ा सा गार्ड भी बाकी है, मैंने कहा अब उससे फ़ायदा उठाया जाए। नीचे गाड़ियाँ देखें, काफ़ी नीचे हैं ये गाड़ियाँ, और ये इस साइड पर कोई चीज़ नहीं है, और इस साइड पर ठंड काफ़ी है यहाँ पे। अब जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं ना, ऑक्सीजन भी बहाल हो रही है, ऊपर ऑक्सीजन काफ़ी कम थी, लेकिन ठंड काफ़ी है यहाँ पे। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत ये जगहें बनाई हैं, और थोड़ी मुश्किलात जब इंसान करता ना तो फिर मज़ा आता है। चेक करें सन्नाटे, अभी जितनी गाड़ियाँ आनी थी जानी थी ना चली गई हैं, अब तक कोई गाड़ी भी नहीं आ रही सामने से। और रात के इस वक्त टाइम जो है पता नहीं अब क्या टाइम है, 7-8 बजे का होगा, 8-9 बजे का होगा, लेकिन मज़ा आ रहा है। काफ़ी हम चढ़ाइयाँ उतर आए हैं, और यकीन करें कि कंधे जो है ना ये थक चुके हैं अब, क्योंकि ये मसलसल उतराई है, और हम सुबह से बेशक इंजॉय कर रहे हैं लेकिन सफ़र कर रहे हैं, उसकी वजह से थकावट हो जाती है। अब ये रोड भी थोड़ा इस तरह का हो गया, लेकिन यह है कि हम चलास के करीब करीब पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, चलास से कुछ दूर पहले ही हमने होटल ले लिया है, इसलिए लिया है कि चलास में गर्मी होती है, तो हमने कहा क्यों गर्मी में हम जाएं, इस यहाँ पे मौसम अच्छा है। ये हमारे होटल का कमरा है, और पहले आपको सामान दिखाएं। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो होटल वाला परेशान हो रहा है कि 3 बंदे इतना सामान 2 महीने रहने आए। और ये हमारे भट्ट साहब हैं माशाल्लाह, रफ एंड टफ। अब ये जा रहे हैं, भट्ट साहब किधर जा रहे हैं आप? मैं चाय पत्ती डबल रोटी अंडे, सुबह का नाश्ता वगैरह, और ये रोटियां वगैरह लेके खाना पकाना। तो सही है, ये चीलूंगा मैं, और ये फी साहब फुल सर्दी में बैठे हुए। इंशाल्लाह सुबह हम निकलेंगे रामा लेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों ये हमारा होटल है, अब यहाँ पे क्या क्या सीन है सुबह पता चलेगा। तो होटल वाला जो लड़का था ना बड़ा अच्छा है, उसने कहा मैं आपकी बाइक के धो देता हूँ आप लोगों की, काफ़ी मड लगा हुआ है जो हम मड वेंचर करके आए हैं ना वहाँ पे, जो हमने किया मड वेंचर, तो हमारी बाइक्स काफ़ी गंदी और सारा कीचड़ लगा हुआ था। ज़्यादा गर्मी हो तो बजाए सारा दिन जो एंजॉय किया उस सारा बेड़ा गर्क हो जाए। तो हमने चलास से दूर ही अभी बाबू सर से नीचे उतर के थोड़ा सा तो हमने होटल ले लिया है, और ये हमें सिर्फ 1000 में कमरा मिला है जी। बच्चे ने बाइक्स धो दी हमारी। भट्ट आलू इसका नाम इसलिए है कि ये भट्ट साहब आलू पका रहे हैं तो इसका नाम है भट्ट आलू। तो ये चेक करें, भट्ट साहब बैठे हुए हैं, और पहले हम डालेंगे प्याज, प्याज के अंदर हम शामिल करेंगे देसी घी डाला है भट्ट साहब। हाँ जी, देसी घी एवा का देसी घी डाला है, 260 रुपये किलो है। और आलू भट्ट साहब दूसरे ने यानी मैंने काटे हैं, प्याज भी भट्ट साहब को पसंद नहीं आए मेरे काटे हुए, लेकिन पहली दफ़ा काटे हैं तो सही काटे होंगे, भट्ट साहब को आदत है वैसे भी नुक्स निकालने की। ये सारे मसाला जात हैं, और भट्ट साहब अल्हम्दुलिल्लाह रोटियाँ भी नाश्ता भी सारा कुछ ले आए हैं। चिकन भी कढ़ाई बना के आपको खिलाएंगे। चलो ठीक है।
जी अस्सलाम वालेकुम। ये जहाँ हमने कमरा लिया था रात को, सुबह 6 बजे का टाइम है, 5:30-6 बजे का, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि सुबह का क्या मंजर है यहाँ पे। अच्छा, रात को आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे बहुत ये ज़्यादा पानी है, लेकिन ये देखिए दरिया आ रहा है ऊपर से। भट्ट साहब ने रात को खाना बनाया, बहुत मज़े का था भट्ट साहब, और भट्ट साहब ने माशाल्लाह हमें नाश्ता भी बना के खिलाया, चाय भी। और हफीज साहब बताएं कि नाश्ता कैसा था? नाश्ता बहुत ज़बरदस्त था, आलू अंडे बनाए थे, अंडे बनाए थे यार, मैं कहता हूँ यहाँ से जो हम खाते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा बेहतर। तो भट्ट साहब हम आपका वैसे तो शुक्रिया अदा नहीं करते, लेकिन चले वीडियो में आपका हम तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमें रात को भी बड़ा अच्छा खाना खिलाया और दिल से मेहनत करके बनाया आपने, और सुबह भी सर वो इसलिए बना के खिलाया कि जाहिर बात है कि शौक है मुझे भी पकाने का और खाने पीने का भी, आप लोग भी जरा खाने। आज भट्ट साहब ने कहा आपको व्हाइट कौरमा, कौन सा कौरमा खिलाना है? ऐसा कहेंगे जी शनवारी खाना है, व्हाइट कौरमा खाना है। भट्ट साहब शेफ भी हैं, इनको कुकिंग का बड़ा शौक है, और ये क्या कहते हैं उसको फारग टाइम में कुकिंग करते हैं। जहाँ पे आप फ्री टाइम मिलेगा वहाँ पे इंशाल्लाह वहाँ पे कुकिंग करेंगे और कौरमा वगैरह जो भी है वो पकाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों बाइक रेडी है, बाइक में मैंने अब कुछ और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, गोप्रो का कुछ सामान लगाया, मैं आपको दिखाता हूँ, साथ आपको ये दिखाता हूँ किस तरह से सामान मैंने पैक किया। ये बेल्ट है प्लास्टिक वाली, एक ये बेल्ट लगाई, एक ये बेल्ट लगाई, एक ये बंची कॉर्ड लगाई, और जो मैंने मॉडिफाई किया है ये देखें, ये ट्यूब रखी, सब बंदा थकता नहीं। ये जो लाइट है ये है स्पोर्ट लाइट, और ये जो लाइट है ये फ्लड लाइट है, ये दोनों ही काम आती हैं। और ये मैंने गोप्रो का माउंट यहाँ पे मैंने फिट कर दिया है, और यही कैमरा जो मैंने पकड़ा हुआ है ये लगा दूँगा, क्योंकि गोप्रो वाले कैमरे में अब कार्ड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, 7-8 मिनट की उसमें वीडियो होगी, तो इसलिए फिर इसी से काम चलाना पड़ेगा। और बाइक रेडी है, बाइक हमने इधर आके धुलवा भी ली थी, बहरहाल अच्छी तो नहीं धोई उसने, लेकिन चलें कोई बात नहीं, धुल गई। और इधर का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ये होटल के सामने हमारे ये कुछ इस तरह का व्यू है, और अब हम निकलने लगे हैं इंशाल्लाह 8 बजे पूरे यहाँ से हम निकल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ले जी हम निकलने लगे हैं और आगाज़ करने लगे हैं। अब कैमरा मैंने ये दूसरा माउंट किया हुआ है, अब अल्लाह करे कि ये ठीक रहे। अब आपको कैसी आवाज़ आ रही है ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन तस्वीर कैसी आ रही है ये मैं देख सकता हूँ।
लगा हुआ है, पढ़ लें आप। जलास है बुलंदी 34 फीट, बाबूसर टाप यहाँ से 44 किलोमीटर और नारायण 120 पर आला हमने चला जाए। चेक करें पानी का बहाव, बड़ी स्पीड से पानी आ रहा है इधर। ये अब हम अस्तोर के रास्ते में हैं, तो अब जा रहे हैं हम, पहले मंजिल है जगलोट, उसके बाद मंजिल है अस्तोर, और भट साहब का वेट कर रहे हैं। भट साहब आ रहे हैं अभी और आ गए हैं भट साहब, चलें फिर साहब। अभी मैं सोच रहा होता हूँ कि कैमरा होता अगर इतना सुंदर आ जाता सामने, दूर हो जाता हूँ कैमरा ऑन करते। ये है जी KKH कराक्रम हाईवे, KKH कहते हैं इसको, कराक्रम हाईवे है ये। ये तकरीबन है कि हमारे पास आधा घंटा, और ये ज़रा देखिए हमने आपके लिए ब्रेक भी लगाई है ताकि पता नहीं, मुझे नहीं अब समझ आ रही कि मूवी किस तरह की बन गई। ये दोनों तो निकल गए आगे, तो ये चक्कर है, ये नीचे दरिया बड़ा ज़बरदस्त दरिया बह रहा है, और इस साइड पे एक ब्रिज भी है, पता नहीं कि अब आपको नज़र आएगा। ये ब्रिज है पैदल चलने के लिए, एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए। और ऊपर वाले पहाड़ देखें तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के खूबसूरत है। ये कहाँ आ गए हम? ये हमारे जो रास्ते में हमें नजर आया, ये दिखाएं जरा, ये अजीब सी चीज है। ये पता नहीं दरिया था क्या था, जो भी था बड़ी खूबसूरत चीज है। हफीज साहब जरा इधर आए, मैं आपको दिखाता हूँ है क्या। ये रेत है और छोटी सी बजरी है और पता नहीं क्या है, और ये पौधा, और ये पौधा भी देखें समय से बाहर है, कैसे निकला ये माशाल्लाह। और आपको हम घुमा के दिखाते हैं, मैं पूरा घूमता हूँ साथ साथ, देखिए ये देखिए, इतना सब्जा देख के आए हैं हम। लेकिन यहाँ पे एक पौधा आपको दिखाया सिर्फ छोटा सा, अल्लाह की शान है। तो अब जा रहे हैं हम, भट साहब है हमारे संग और साथ हैं हफीज साहब जो मेरी बना रहे हैं फिल्म, मूवी या क्लिप कह लें। तो वो ऊपर सड़क है, यहाँ से हम आए। बगीचो बगीचो चेक करें, और गर्मी बहुत है, हवा चल रही है। हम हैं जगलोट के रास्ते में, पेट्रोल डलवाया है, मेरी जो बाइक चली है इस्लामाबाद से लेके यहाँ तक चली है तकरीबन 371 किलोमीटर, और मैंने फुल यहाँ तक पेट्रोल डलवाया है बिल्कुल एंड तक। समझ लें कि 2 लीटर 3 लीटर कम डल सकता था, लेकिन मैंने फुल बिल्कुल फुल बटा फुल करा ली। आगे रास्ता लंबा, पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। इस बाइक में पड़ा है 2700 का पेट्रोल, तकरीबन 11 लीटर समथिंग। इस बाइक का रिजर्व लग गया हुआ था और इसमें पड़ा है तकरीबन 1800 का पेट्रोल, उसमें 2700 का, इसमें 1800 का। बट साहब कितने का डला? 1530 का, इसमें 1530 का।
370 किलोमीटर 1530 रुपये में आई है। और ये इसको 2 लीटर हमने बीच में भी डलवाया था, मैं भी उन्होंने निकाल लिया, इसका हिसाब आप सही नहीं लगा सकते। कितने का आपने अभी डलवाया? 1800 का अभी और 500 का वो 2300 का, लेकिन इसका हिसाब हम नहीं लगा सकते, अब कितना पेट्रोल डाला था ये नहीं पता। ये जी हमें एक बाइक की दुकान मिल गई है, इस जगह का सर क्या नाम है? गोनर फार्म सर जी। गोनर फार्म। और कितनी देर से यहाँ पे बारिश नहीं हुई? यहाँ पे 2 साल से। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बर्फ दिखाता हूँ, हमें ये पहाड़ नजर आया सामने, तो हमने पूछा ये क्या है, तो भाई कहते हैं ये नांगा पर्वत है। ये बर्फ आपको नजर आ रही होगी, ये देखें जी माशाल्लाह, आपको छोटा सा इधर से बिल्कुल इसका पीस एक नजर आ रहा है। आप जरा सोचें ये कितनी की बुलंदी के ऊपर है, ये देखिए ये बर्फ आपको नांगा पर्वत की चोटी के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से नज़र कितना गहरा है। और इस जगह पे, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, 2 साल से बारिश ही नहीं हुई और सख्त गर्मी है यहाँ पे। ये देखिए ये इतना सा पीस नांगा पर्वत का यहाँ से हम देख सकते हैं।